अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं firstbite.tv। भाजपा नेता के संरक्षण में मेरठ के जागृति विहार में खोला गया शराब का ठेका लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। क्षेत्रीय नागरिक विशेषतः महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं, तो ठेकेदार ने सुरक्षा के लिए बाउंसर बुला लिए हैं। आरोप हैं कि वह विरोध करने वालों को हड़का रहे हैं। महिलाएं ठेका बंद कराना चाहती हैं और पुलिस का कहना है कि जब तक उन्हें DM के आदेश नहीं होंगे वह ठेका बंद नहीं करा सकते। इस पर आज महिलाओं व स्थानीय नागरिकों ने सांसद राजेंद्र अग्रवाल व विधायक सोमेंद्र तोमर को घर जाकर घेरा और ज्ञापन दिया। हाल फिलहाल में जितने भी बड़े अथवा चर्चित मामले सामने आ रहे हैं उन सभी में भाजपा नेताओं की संलिप्तता होने से पार्टी की नागरिकों के बीच खासी फजीहत भी हो रही है। मेरठ में हुक्का बार संचालकों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप भाजपा के बड़े पदाधिकारियों पर लगे हैं। हापुड़ में कमेले का ठेका दिलाने को लेकर हुई बंदरबाट को लेकर भाजपा जनप्रतिनिधियों में आपसी मतभेद भी खुलकर सामने आ चुके हैं। 5 दिन पूर्व ही भाजपा महानगर उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता के ठिकानों से UPSTF ने 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा मूल्य की नकली किताबें बरामद की थी। मामला चूंकि सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ है लिहाजा पुलिस के लिए भी यह कम मुसीबत भरा नहीं है। अब ताज़ा मामला मेरठ के जागृति विहार सेक्टर 6 में खोले जा रहे शराब के ठेके का है। स्थानीय नागरिक व महिलाएं इसका बराबर विरोध कर रहे हैं। गंभीर बात यह भी है कि स्थानीय नागरिकों के भारी विरोध के चलते यह ठेका 4 स्थानों से पहले ही हटाया जा चुका है। यह ठेका एक भाजपा नेता का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पे इस नेता की पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ फोटो हैं। आज बड़ी संख्या में नागरिकों व महिलाओं ने विधायक सोमेंद्र तोमर से मुलाकात कर अपनी परेशानी बताई। विधायक ने आबकारी निरीक्षक से बात कर कहा कि यदि आवासीय जगह पर ठेका संचालित हो रहा है तो उसे तुरंत ही कमर्शियल बिल्डिंग में शिफ्ट कराया जाए। ये लोग भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल के घर भी पहुंचे और उनके प्रतिनिधि हर्ष गोयल को ज्ञापन दिया। बता दें कि तमाम विपक्षियों के ये आरोप आजकल मीडिया की सुर्खियों में हैं कि हाल फिलहाल जितने भी गोरख धंधे पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं उन सभी में भाजपा पदाधिकारियों का संरक्षण या हाथ पाया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।